हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अजय देवगन सर का बहुत बड़ा फैन हूं। और गाइस, उनकी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सिंघम अगेन थिएटर में लग चुकी है। वही फिल्म देखने के लिए मैं शुभम डीडी पैक आ चुका हूं। और गाइस, मेरा 6:45 का शो है। शो का थोड़ा बस कुछ ही देर में, मतलब कुछ देर हमको इंतजार करना होगा। बाहर खड़े सब लोग देख सकते हैं कितने एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। मैं भी एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि गाइस ये मास फिल्म है और बहुत सारे मसाज है, एक्शन मतलब की एक्शन है, थोड़ी बहुत कॉमेडी है और कैमियोज है बढ़िया बढ़िया। फिल्म को एंजॉय करने आया हूं दोस्तों। सिंघम 3 का जो मेरा शो है गाइस, 6:45 वाला सिर्फ 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। और गाइस, लाइंस लगने शुरू हो चुके हैं। भाई, किस फिल्म का एडवांस बुकिंग किए हो? हमने लिया है भाई सिंघम अगेन का। सिंघम अगेन भाई साहब, क्यों सिंघम अगेन ही सिलेक्ट किए? सिंघम अगेन भाई, सिंघम फर्स्ट देखा है, सिंघम सेकंड भी देखा है, तो थर्ड भी देखा है। बढ़िया है। मतलब कितने दिन से एक्साइटेड थे? बहुत दिन से ट्रेलर आया। जिस दिन से ट्रेलर आया, मतलब कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो आप सिंघम अगेन देख रहे हो? कौन से बढ़िया एक्टर को, मतलब किस एक्टर को देख कर आए हैं सिंघम अगेन देखने? एक्टर नहीं, हम डायरेक्टर देख के आए। डायरेक्टर देख के, तो गाइस देख सकते हैं रोहित शेट्टी की फिल्म है। तो गाइस, यहाँ पर एक्टर नहीं डायरेक्टर देख के आते हैं। कितने बजे का शो है गाइस? 9:30 का शो है भाई का। देखिए, एक तरफ अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन लगी हुई, और गाइस पब्लिक का भीड़ देखिए, क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है। मतलब देखिए गाइस, सिंघम अगेन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो लोग यहाँ पर आ चुके हैं फिल्म सिंघम अगेन को देखने के लिए, और काफ़ी लोग मतलब आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और सारे शो सिंघम के हाउसफुल हो चुके हैं, और मतलब अजय देवगन की फैन फॉलोइंग आप देख लीजिए, इतने लोग फिल्म देखने आए हैं सिंघम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब रिएक्शन मिल रहा है। और ऐसा क्राउड देखिए, क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड है यार सिंघम अगेन देखने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं हाउसफुल हो चुका है, मतलब थिएटर में जगह नहीं है, और गाइस अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। यार इतना एक्साइटेड था फिल्म देखने के लिए, 3 मिनट बचा है बस, और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। भाई लोग बता सकते हैं अंदर क्या हो रहा होगा? मारपीट हो रही है। बाकी गाइस अंदर मारपीट हो रही है, सफाई हो रही है। अच्छा, सफाई हो रही है, किसकी सफाई कर रहे हैं भाई साहब? देख रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ लगी है फिल्म को देखने के लिए, खचाखच पूरा मतलब थिएटर भरा हुआ है। फिल्म चलेगी भाई, फाड़ने वाली है फिल्म। फाइनली गाइस, हम लोग चले जाते हैं थिएटर के अंदर, और हम लोगों की एंट्री हो जाती है। थिएटर वाला 5 मिनट हम लोग को लेट एंट्री में लेता है, क्योंकि गाइस अंदर साफ सफाई चल रही थी। थिएटर के अंदर आ चुका हूँ शुभम डीडी प्लेक्स में। भाई साहब, पूरा हाउसफुल हो चुका है। इस थिएटर में एक चीज अच्छा नहीं दिखा है, बहुत ज्यादा गंदगी है, पता नहीं क्या क्या, देख सकते हैं कितना कूड़ा है, और चेयर भी फटी हुई है गाइस, देख सकते हैं इधर गंदगी बहुत, देख सकते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यार हम लोग एक्साइटेड थे अजय देवगन की फिल्म देखेंगे, इतना ज़्यादा गंदगी, यार मैं कह रहा हूँ आज के बाद इस थिएटर में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा इस थिएटर में। और क्या यार, मैं मतलब यार फिल्म देखने आया हूँ यहाँ पर, मतलब अजय देवगन का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, और यहाँ पर बेइज्जती करवाने का काम कर रहे हैं, और 5 मिनट लेट घुसो, मतलब 5 मिनट लेट हम लोग आए अंदर में, और पता नहीं अंदर क्या चल रहा था। अरे थोड़ा साफ सफाई करा देते। सर कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है भाई, मेरा जो है हालत बड़ी ख़राब है, देख रहे हो बैठ ही नहीं पा रहा। और क्या, देख सकते हैं गाइस बहुत ज़्यादा गंदगी है, इतनी प्रॉब्लम हम लोग को देखना पड़ रहा है यहाँ पर ना। और भाई आपको बताइए थिएटर में कैसा लग रहा है? गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है दिखने में ये सब। इसके पहले आते गंदगी थी कि नहीं? इसके पहले थोड़ा थिएटर साफ रहता था, लेकिन आज इतना ज़्यादा गंदगी कर दी है यार। आज ज़्यादा गंदगी रूट गया शुभम डीडी प्लेक्स से, यार मुश्किल है पाऊँ, वही बेकनेस से चला जाऊँगा। उनसे मैं अभी शिकायत भी करूँगा, आप इसे साफ सफाई भी करिए। बाकी दोस्तों इंटरवल हो चुका है, तो सिंघम अगेन बहुत ही बेहतरीन फिल्म है भाई, मास फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। और दोस्तों जो विलेन है अर्जुन कपूर, यार कितना दर्दनाक, बहुत दर्दनाक सीन है उसका, मतलब कि एक्शन करता है वो, मतलब मारता बहुत दर्दनाक है। और भाई हीरो में टाइगर श्रॉफ लाजवाब एक्टिंग, आउटस्टैंडिंग भाई, जितना तारीफ करूँ ना उतना कम है भाई। वाह, कैफेटेरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत गजब, इंटरवल में सब कुछ खा पी रहे हैं लोग, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गाइस फिल्म भी बहुत बढ़िया है, तो खाने पीने में मज़ा भी बहुत अच्छा आएगा।
दोस्तों, ये कैफेटेरिया में खाने पीने के सामान कम पड़ गई थी क्योंकि जितने सिंघम और अजय देवगन के फैन हैं सभी ने खा लिया और भाई कुछ बचा नहीं है थिएटर में। चिप्स बचा है और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, पूरा खाली हो गया है। इंटरवल में देख सकते हैं गाइस, पूरा थिएटर हाउसफुल हो चुका है, पूरा चारों तरफ भरे हुए हैं गाइस। खान की एंट्री सीन भाई साहब छिपा लिए, 33 रुपये काटना पड़ेगा। पैसा वसूल मूवी थी लेकिन क्या करें, पैसा वसूल नहीं हुआ है क्योंकि सलमान खान वाली एंट्री यहाँ पर दिखाया नहीं गया। बाकी फिल्म एकदम ज़बरदस्त थी, हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट मूवी है अजय देवगन की करियर की। बाकी हम निकल रहे हैं गाइस, मज़ा आ गया, अपने फैमिली के साथ आइए, बहुत ही एंटरटेनमेंट मिला है, मास मसाला कॉमेडी के साथ है भाई। अक्षय कुमार की एंट्री लाजवाब, टाइगर श्रॉफ की एंट्री लाजवाब और दीपिका की एंट्री लाजवाब है, साथ में सबकी एंट्री लाजवाब है बहुत। लेकिन अक्षय ने भाई साहब पूरा मतलब महफिल लूट लिया, नाइस फैबुलस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।